बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच मौजूद है संजय जी, वो भी प्रोफेशनली एक एक्टर है, कलाकार है। कलाकार है तो जाहिर है सेंसिटिव है और संवेदनशील है। तो इस पूरे प्रोटेस्ट और पूरे बिल के बारे में आपकी ब्रीफ में आपकी राय क्या है, क्या सही है क्या गलत है? बिल के बारे में तो आपसे पहले जो भी साथी आए उन्होंने भी बहुत कुछ कहा, टीवी में भी बहुत कुछ कह ही रहे हैं, तो बिल के बारे में तो ऐसी कोई डिटेल में बोलने की जरूरत नहीं है। बट आप इसको कैसे देख रहे हैं और जो प्रोटेस्ट हुआ है उसको आप कैसे देख रहे हैं? प्रोटेस्ट होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे? शांति और अशांति और इनका खौफ डर और यहां से जो मेजोरिटी कम्युनिटी है इनका खौफ या डर, इस पर बात करें। देश के हित में जो बातें होती है मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैं बचपन से देशभक्त हूँ, देशभक्त सब होता है, मैं कुछ ज्यादा नहीं, मैं बहुत ज्यादा अंग्रेज हूँ देश को देखते। 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब तक मैं झंडो गोला नहीं करता हूँ तब तक पानी नहीं पीता, ये बात बता रहे। तो अभी जो भी हो रहा है, NRC लागू नहीं हुआ है, CAA पर चर्चा चल रही है, देश के हित में हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अभी बात ऐसी हो रही है कि हमने तकरीबन 22 साल पहले नाटक किया था कालचक्र के घेरे में, उसका सिचुएशन ये था कि दुनिया बहुत शांत बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, इंसानों को हाथ नहीं मिला था। ब्रह्मा जी आ रहे थे, सफेद चोगा उनको दिया गया था कि वो शांति के दूत थे, तो सारे जितने भी इंसान थे वहां पर खड़े हो जा रहे थे, बाबा आ गए बाबा आ गए बाबा आ गए, दूर बैठा शैतान देख रहा था कि खुश हुए वो वहां से उनको बताना शुरू किया क्योंकि उनको उस पर राज करना था। तुम लोग घिसक के क्यों चलते हो, तुम लोग हाथ मांगो। उन्होंने पूछा हाथ क्या होता है, हाथ से शक्ति आती है, देखो शक्तिशाली ब्रह्मा आए बोले बाबा मुझे हाथ चाहिए, हाथ क्यों चाहिए तुम लोग, मुझे शक्ति चाहिए, मैं भी लड़ना चाहता हूं। हड़ताल करना शुरू कर दिया वहां से, ब्रह्मदेव ने सबसे पहले उनको हाथ दिया, हाथ देना उनने पहले सबसे कुल्हाड़ी उठाया और वहां से सत्यानाश शुरू कर दिया चीन। फिर एंड पॉइंट ये दिखाया कि बम फटा अनुभव, वो एक इंसान था जो कैरेक्टर मैंने ले लिया था, वो अपने शरीर में लिया था कि दुनिया में शांति बनी रहे। ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि किसी के पर्टिकुलर कॉम को पर्टिकुलर इंसान को कोई दिक्कत आने वाली है। आश्चर्यजनक बात यही है, सब यही कहते हैं बिल्कुल निर्भीत ही अशांति के, अशांति इसलिए अशांति है नहीं, अशांति फैलाई जा रही है, वही फैलाई हुई अशांति फैलाई जा रही है। वो देखिए क्या है कि हमारा देश जो है बहुत ही संवेदनशील है, लोग यहाँ मतलब भावुक हो जाते हैं, तुरंत घर में भावुक हो जाते हैं। तो जैसे ही आपकी दुखती नस पे हम हाथ रख दिए, हाँ भाई तुम मेरे पक्ष में बोल रहे, तुम मेरे पक्ष में बोल रहे। बहुत सारी घटनाएं देश में घटती, बहुत सारी घटनाएं देश में घट, जिसका कोई रेप हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है, झंडा ये जो अवार्ड बॉक्सिंग गैंग है जो झंडा उठा के भी चल रहे हैं, कहां रहते उस सब? अभी कुछ सज्जन यहां पर बैठे हुए थे आपसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आंदोलन करना यहां का अधिकार है, अधिकार है मानता हूं, तोड़फोड़ करना तुम्हें किसने अधिकार दे दिया, जलाने का अधिकार तुम्हें किसने दे दिया, संपत्ति तुम्हारा है, किसकी संपत्ति है तुम जो चला रहे हो यहां पर, वो अधिकार कहां से आ गया आपके पास? आप शांति को मार्च करिए, कोई नहीं रोकता, किसी को नहीं रोकेगा भी नहीं, हमारे संविधान में नहीं है। आय सीधा चला दिए, आय सीधा मार दिए, आपने देखा अहमदाबाद में पुलिस वालों कैसे, वो औरत थी जो पुलिस वाला गिरा, वो औरत थी जिसने पहले डंडा घुसाया उसके पैर में, आप उस वीडियो को देखिए, और गिरा है पहले औरत ने पहले वार किया उसके ऊपर, आप क्या बोलते हैं उसके बारे में, वो शांति पूछे, वो कहते कि हमारे ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं, अधिकार इतना है कि आप मार रहे हैं वहां पे पटक पटक के मार रहे हैं। उनमें से चार लोगों ने चार पुलिस वाले को घेरा, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो ऐसे हाथ रख के इधर फट गया इधर फट गया इधर फट गया, क्या नहीं भड़काने वाले कोई और हैं, ये भड़क जा रहे हैं भड़क जा रहे हैं भड़क जा रहे हैं, भड़काने वाले कोई और है ना, इसी बात मानते हैं भर की कांग्रेस पार्टी है, मैं खुल के बोलता हूं बम बंद है,
वामपंथ वो है कि जब चाइना वार किया था हमारे देश में तो ये लोग खुशियां मना रहे थे, क्यों? क्योंकि ये देश से हमको कुछ नहीं लेना देना है, हमारी पार्टी है ना वो जीत रही जो चाइना में बैठी है लाल झंडा लेके, ये वो वामपंथ है। और ये कांग्रेस, कांग्रेस है क्या? सत्ता में रहेंगे तो देश को लूटेंगे, सत्ता में नहीं रहेंगे तो आदमियों को बर्बाद करेंगे। फूट डालो और राज करो, जो कर रही है आज के तारीख में। आप बताइए ना, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है कहीं ना दंगा हुआ हो तो? राजस्थान में नहीं, एमपी में नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं, वो कहां रहा है जहां बीजेपी की है? तो ये सारी चीजें प्रायोजित है, लोगों को समझ में बात आनी चाहिए। समझ नहीं रहे, झंडा लेके खड़े हो जाए, झंडा लेके खड़े हो जाए। मेरा एक दोस्त जो बचपन में, हम लोग, मैं गया का रहने वाला हूं बिहार का, वो भी डॉक्टर है, उससे बड़े अजीब अजीब से वीडियो भेजे कि देख लो मुसलमानों की क्या हालत यूपी में कर दी है। मैंने, तुम जाके देख रहे हो वहां पे? नहीं, तुम देख, तू देख, रोज मुझे वीडियो भेजे, रोज। मैंने कहा शहनवाज से क्या कर रहे हो तुम यार, मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो भाई? नहीं, देखो मुसलमानों पर अत्याचार कितना हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर कश्मीरी वीडियो उनको भेजना शुरू किया कि देखो कश्मीर में औरतों के साथ क्या क्या किया है, उसमें वीडियो भेजना बंद कर दिया। तुम अपनी तकलीफ तो दिखा देते हो लेकिन दूसरों की तकलीफ तो देखो ना कि दूसरे के ऊपर बातें गुजर रही हैं। नहीं, सिर्फ हमारे ऊपर तकलीफ हो रही है, ऐसा नहीं होता है। आंख दोनों दिए ऊपर वाले ने तो दोनों आंखों से देखिए, ये नहीं कि ये बंद करके इधर से देख लिए, ये बंद करके इधर से देख लिए। और दिमाग ऊपर दिया है ना तो सबसे पहले आप इस्तेमाल करिए अपना दिमाग, सामने वाला क्या कर रहा है। चलो चलो चलो, क्यों चले जाए तुम्हारे साथ, क्यों चले जाए तुम्हारे साथ? आज किसी भी नीचे तबके के किसी जाति धर्म को छोड़ दीजिए आप। जहां पर मैं रहता हूं, किसी भी नीचे तबके से पूछता हूं, मैं जाता हूं, मैं बैठता हूं, बैठना बात करना मेरा शौक है। क्या लेना दे रहा है इन चीजों से? हम अपना कमाए खाए, यही तो सच्चाई है। ज्यादातर लोग तो ऐसे ही है ना कि हम अपना कमाए खाए। अगर आप इन सब में घुसेंगे तो न तो आप घर के रहे न भाट के रहे, बिल्कुल नहीं। घुसना भी नहीं चाहिए चीजों को। और एनआरसी 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 की जो बातें चल रही है, ये तो वही हुआ कि एक कौवा आएगा सबको उठा के लेके चला जाएगा। लेकिन ये बात आप समझ रहे हैं कि अफवाह कितनी ताकत है सर। रूमर अगर आप फैलाएं और मीडिया के जरिए रूमर फैलाएं तो अच्छे अच्छे लोग, तो मीडिया में कौन बैठे हुए हैं? नहीं है, जब देश का बंटवारा हुआ तो विभाजन दो देशों का हुआ और हमारे देश में भी दो टुकड़े हुए। एजुकेशन वामपंथ को दिया गया, पॉलिटिक्स कांग्रेस ने रख ली। ये कांग्रेस, मैं सत्ता संभालूंगा, मैं देश संभालूंगा और तुम जितना मीडिया है एजुकेशन है तुम अपने पास रखो, बाकी तो दुनिया देश में कोई है ही नहीं ना। बट जो है वो तब कमजोर थे, अब इसलिए कभी कमजोर कोई नहीं रहा है यहां पे। नहीं, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट चलाने का मौका तो आप जिस पार्टी के पक्ष में है, जिस विचारधारा के पक्ष, मैं देश के पक्ष में हूं। मैं देश के पक्ष में हूं। मैं राजीव गांधी को बहुत पसंद करता था पर्सन। जिस दिन वो गुजरे थे मैंने बाल मुंडवाए थे, मेरे घर में खाना नहीं पका था। जी जी, मेरे घर में खाना नहीं पका था उस दिन जिस दिन राजीव गांधी गुजरे थे, एज ए पर्सन उस समय छोटा था मैं। लेकिन जब जानकारी उनके बारे में पता चली तो मुझे लगा कितना बड़ा बेवकूफ था मैं, जो 84 में 84 में जो भोपाल कांड करवा के उस आदमी को अमेरिका भिजवा दिया ये आदमी, और यहां भगवान बना फिरता था, प्राइवेट जेट से यहां से भिजवाया था ना। कहां गए थे अवार्ड वापसी गैंग वाले? ये सब किसी को कुछ नहीं लेना देना, अभी भी किसी को कुछ नहीं लेना देना। उनके मुंह में लड्डू डालिए, चुप होके किनारे बैठ जाएंगे। तो ऐसा ही तो है, आम आदमी या इवन पढ़ा लिखा आदमी तो ऐसा ही है। सिर्फ अपना मतलब, सिर्फ अपना मतलब साध रहे हैं कि मैं आपके साथ आ जाऊं मेरा काम निकल जाए, मैं आपके साथ आ जाऊं मेरा काम निकल जाए, आप मेरे साथ आइए। क्या ऐसे माहौल में अभी आप क्या देखते हैं प्रोटेस्ट की, इसकी परिणति क्या होगी? परिणति कुछ नहीं होने वाली है, अधोगति तो हो, जितनी होनी है हो जाएगी, ठीक है, लागू होगा, सीए भी लागू होगा, एनआरसी बहुत देर की बात है। और किसी को कोई ये नहीं कि आपके बाप दादा के सर्टिफिकेट दिखाइए, आप फलना सर्टिफिकेट दिखाइए। अभी कल की बात कर रहा हूं, मैं कल की बात कर रहा हूं,
कलकत्ता में एक बांग्लादेशी पकड़ाया, ठीक है, एक साल का वीजा लेके बांग्लादेश से आया है। जब पुलिस उसको पकड़े, सारा चीज निकाली, तो उसके पास हिंदुस्तान का आधार था, हिंदुस्तान का वोटर आईडी मिला। चीजें ऐसे हो रही है यहां पे, तुम आओ हम तुम्हें सारा चीज अभी से प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है प्रोटेस्ट कहां तक पहुंचेंगे? प्रोटेस्ट रुक जाएगा, रुक जाएगा इसी मतलब नए साल से पहले सब लोग अपना क्रिसमस और नया साल अच्छे से मनाएगा। क्रिसमस को नहीं मानता हूँ मैं हिंदुस्तानी में सनातन धर्म को मानता हूँ, मैं तुलसी की पूजा करता हूँ। सनातन धर्म में क्रिसमस भी है? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ तुलसी की पूजा करता हूँ। प्लास्टिक के पेड़ को पूजा करने से क्या मिलता है? प्लास्टिक के पेड़ को पूजा कर लिया, बुद्धिजीवियों के तुलसी को पूजा कर लिया, तमारो यही तो चल रहा है यहाँ पे, वही सिखाया जा रहा है सर हमें। आपने क्रिसमस मना लिया, लाइट जला ली इधर उधर, अरे वाह यू आर वेरी मच इंटेलेक्चुअल, तुलसी की पूजा कर लिया है, और तमार आदमी के साथ बात कर रहे हैं। उस बात में मैं एक राय देना चाहूंगा, अगर आप ऐसा सोचते हैं क्रिसमस के खिलाफ तो आप तो मैं खिलाफ किसी के नहीं जाए जबरदस्त, लेकिन जब देश में सब हैप्पी बर्थडे मनाते ना, एक रिचुअल बदलने का एक मुहिम छेड़ने में साथ दिया बुझाने का, मोमबत्ती बुझाने का जो कल्चर ये विदेशी कल्चर लाए हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उसे मैं नहीं करता हूँ सर। अरे दुनिया करती है ना, तो हमारा ये ध्यान चला गया है दिया से हम करते हैं। मेरा एक दोस्त है, कोई शहनवाज की बात कर रहा हूँ, वो अपने बेटे के बर्थडे पे केक लाया, ठीक है, एमानुअल नाम है उसके बेटे का, लिखा केक पे, मैं बोला हटा दो नाम, बोला क्यों सर, बोला तुम्हारे बेटे का नाम लिखा होगा उससे तुम चाकू चलाओ। बट जो लोग कल्चर लाए तब तो हो करके सबने स्वीकार है ना, इस देश की अपर क्लास ने स्वीकार है, उस वक्त किसी ने आपत्ति नहीं, देश की आदत है सर, इस देश की आदत है, अगर आपकी चमड़ी अच्छी रही, आप गोरी चमड़ी के हैं तो आपको ऐसे करना है, इस देश की आदत है तो अपने देश की आदत में ही सुधार लाने की जरूरत है ना, बहुत सारा सुधार लाने की जरूरत है। मैं एक पोस्ट पढ़ रहा हूं, देश की जो ओरिजिनल संस्कृति है या तो उसको लौटा लिया जाए, वापस लाया जाए और उसको अच्छे से एस्टैब्लिश किया जाए, है ना, तभी जो दूसरी संस्कृति है आप पे हावी नहीं होगी, ऐसे होगा ना, कोशिश करना पड़ेगा। जैसे कि अभी कल मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था कि संदेश का नाम बोल रहा हूँ, उसने लिखा हुआ था कि जब हम हिंदुस्तान में आए तो मात्र 3,000 थे, यहाँ के लोग कैसे हैं हिंदुस्तान के, कि जब हम एक राजा को अरेस्ट करते थे तो उसके सामने वाले देख के हंसते थे और तालियां बजाते थे, अगर उस समय सारे हिंदुस्तान एक एक पत्थर भी मारते ना तो हम कहां गायब हो जाते पता नहीं चलता। खैर जो पास्ट की गलतियां हैं, तो गलतियां थी सुधारनी चाहिए थी। अगर हम इस पर अगर हम और बहस करें, हिंदू धर्म में कर्म थ्योरी बहुत ही प्रोमिनेंट थ्योरी है, तो हम अपने ही कर्म भोग रहे थे, जो कभी ऊपर था आज नीचे आ जाता, जो नीचे ऊपर जाता, जिससे जैसा कर्म किया वो ऐसा फल भोग रहा, यही है ना। मैं इसी अपील करता हूँ सबसे, क्योंकि मेरे बहुत सारे मतलब ये नहीं, मेरा जो घर है सर्व धर्म समागम, ठीक है, आज से नहीं, मेरे दादाजी के टाइम से जात पात हमारे घर में चलती नहीं है, धर्म भी बिल्कुल ही नहीं चलती, ठीक है। मेरे घर में जो मेरा दोस्त है डायरेक्ट बेडरूम में आता है, मैं उसके डायरेक्ट बेडरूम में रहता हूँ मुसलमान के बेडरूम में, ठीक है। तो हमारे सबका अनुभव है, मजेदार बात यही है कि आम जनता एक पढ़ी लिखी जनता सब ऐसी है, धर्म में धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन फिर भी हैरानी की बात है कि कैसे ऐसी घटनाएं घटती है कि धर्म को लेकर एक विचित्र किस्म का पोलराइजेशन हो जाता है। खैर ये अलग विषय है, बट संजय जी आपसे बात करके अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू।